पड़ता है तुम्हारा? नहीं, मुझे देखिए इस बात के बारे में एक्चुअली नहीं पता कि किसने क्या बोला है। मैं इसके बारे में फाइंड आउट जरूर करूंगा, आपके माध्यम से भी मुझे पता चला है, और मुझे जब मैं पता करूंगा कि ये बात कैसे फैली है, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई है नहीं फिलहाल। और जी उसके आगे मैं क्या, ये नारा पढ़ संघर्ष, ठीक है, राजनीति में संघर्ष तो है ही, आप जिधर भी हो संघर्ष है, और संघर्ष करने के लिए ही हम उतरे हैं, आम आदमी के मुद्दों के लिए ही उतरे हैं, और संघर्ष करते आ रहे हैं युवा कांग्रेस के दिनों से, और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। के लिए मैं एक बेटा समान हूँ, और मैंने जैसे कहा कि मेरा पारंपरिक रिलेशन है, और जब मेरे पे अन्याय हो रहा था तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। तो अजीत दादा एक ऐसे लीडर है जो हमेशा यंगस्टर्स को साथ देते हैं। अगर आप कोई भी यंगस्टर से पूछ लो, हमारे पार्टी का हो या कोई भी पार्टी का हो, जब रात को भी हमारा नंबर आता है, नागपुर में मुझे याद है रात के 1:45-2 बजे भी जब हमारा नंबर आता था हाउस में बात करने को, तो कोई मंत्री नहीं रहता था, अजीत दादा अकेले बैठे रहते थे। तो एक उनकी भी खासियत है, और रात को भी हमारे साथ विधान भवन में रहते हैं, और सुबह 6 बजे उठ के काम भी करना चालू कर देते हैं। वो एक खासियत है, इंस्पिरेशनल। आपकी तारीफ शायद आपके साथियों को नागवार गुजरे दादा। नहीं, तारीफ तो मैं जो देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अगर मुझे कोई अच्छी चीज लगती है एक लीडर के बारे में, तो मैं दिल खोल के बोलूंगा, और मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है। आप संजय राउत के खिलाफ बात कर रहे हैं, अजीत पवार के पक्ष में बात कर रहे हैं, क्या नहीं, मैंने संजय राउत जी, मैंने जैसे कहा कि ये सब बहुत सीनियर लीडर है, और उनके सामने मेरा बोलना सही भी नहीं है, और मेरा ऐसी अपब्रिंगिंग भी नहीं है, मगर जैसे भाई साहब ने कहा कि संजय राउत जी ने खुद अगर कहा है कि नहीं ये सीट अगर ऐसा हो रहा है तो मुस्लिम वोट्स का विभाजन होगा, ये सीट हमारे शिवसेना को जाएगी, तो कौन से कम्युनिटी के साथ हमदर्दी दिखाता है वो तो सबको पता है, और कितने सालों से क्या होते जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है वो तो सबको पता है। मगर ऐसा बोलना जब आप एक अलायंस में हो, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण और बदकिस्मती है। अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मला पण माहित नाही, तुम्ही मला सांगा, मला माहित नाही। सुबह से मुझे भी फोन आ रहे हैं, दिल्ली से भी फोन आ रहे हैं कि ऐसा है, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बहरहाल अगर पिताजी के बारे में बात करना है तो पिताजी खुद आएंगे, आप उनसे पूछिए। अगर पिता कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, मैंने जैसे कहा मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, और भविष्यवाणी मैं पिताजी के बारे में मुझे पता नहीं अगर क्या हो रहा है, वो आप उनसे बेहतर पूछेंगे। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ही हूँ, और मैं मेरा जाना नहीं करना, आमचे वडील चे मतलब आप भी पूछ सकते हो। मला माहित नाही, अमीन पटेल ची गोष्टी आणि माझी वजनची गोष्टी तुम्ही त्यांना सांगा। मैं अपने बारे में पूछ सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, और मैं उसकी स्पष्टीकरण कर सकता हूँ। लाल बसून कर रहे, लाल बसून चर्चा आहे की तुम्ही वडील आणि तुम्ही म्हणजे दोघे जण अजित पवारांना भेटले? नहीं, ऐसा मैंने जैसे कहा कि मैं, मेरा कोई भी पार्टी में पक्ष प्रवेश नहीं हो रहा है, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ। और रहाल मुलाकात की बात, तो मुलाकात तो मैंने जैसे कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो जिन के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है उनके साथ तो मुलाकात होती रहती है। आज एमबीए की मीट कर देंगे, किस तरह से देखते? देखिए, मैंने तो ये भी सुना था कि वो कह रहे थे कि ये सीट सेना जीत जाएगी, तो मुझे लगता है ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि संजय राउत जी जैसे सीनियर लीडर, जैसे मैंने कहा कि मेरा तो कोई इरादा है नहीं, मगर नहीं इरादा होने के बावजूद अगर शिवसेना के लीडर एक सिटिंग कांग्रेस एमएलए की सीट के बारे में अगर ऐसा कहे कि ये शिवसेना की सीट है, तो महाविकास आघाड़ी के बारे में बहुत बदकिस्मती की बात है। पहले भी उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे मिलिंद द्योरा जी और संजय निरुपम जी के बारे में कि कोई भी गली के नेता कुछ भी कहेंगे, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर एक शिवसेना का नेता कहते हैं तो ये सब पार्टी में फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं, वो बहुत मुझसे सीनियर है, मेरे करियर अभी शुरुआत हुआ है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो एक सिटिंग एमएलए के बारे में ऐसा कह सकते हैं, और आई थिंक हाईकमांड जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। देखिए, मैं अपनी खुद की बात कर सकता हूँ, पिताजी का मुझे लगता है बेहतर होगा अगर आप पिताजी से पूछें, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, और मेरा कोई ऐसा इरादा है नहीं, और मुझे काफ़ी आश्चर्य है कि जब मुझे पूछा गया, सुबह से काफ़ी लोग ने पूछा है, तो मेरा तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई इरादा है, कोई बातचीत भी नहीं हुई है, तो नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ। पिताजी से बात हुई? देखिए, पिताजी और मैं पूरा दिन काम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो घर पे आके पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करते। मेरा, मैं पिताजी से इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उनसे अगर आप उनके बारे में पूछेंगे तो बेहतर होगा।
फिलहाल मेरा बात मेरी बात तो नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं जी। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद के बारे में बात कर सकता हूँ और मैं तो किधर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ मैं किधर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, अजीत दादा के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, आज से नहीं बहुत कई सालों से, जब हम महाविकास अकाड़ी में भी साथ थे और मेरे मुझ पे अन्याय हो रहा था तब अजीत दादा ने ही साथ दिया था। अजीत दादा अभी भी डिप्टी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनसे तो काफ़ी मतलब रेगुलरली मुलाकात होती है और वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो मदद करते रहेंगे।